डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बता रहा था मैं आपको, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में बताया, सार्वजनिक निगम के बारे में। आज तीसरा जो प्रारूप है इसका, वो है गवर्नमेंट कंपनी या सरकारी कंपनी। ठीक है, तीसरा जो प्रारूप है इसका वो गवर्नमेंट कंपनी के रूप में। गवर्नमेंट कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी है जिसमें किसी कंपनी का आधा से ज्यादा था 51%, जो पेड अप कैपिटल का 51% 51% हिस्सा जो है सरकार के पास होता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार के पास हो, चाहे वो राज्य सरकार के पास हो, या आंशिक रूप से केंद्रीय या आंशिक रूप से राज्य सरकार के पास हो। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेस विच हैज अ मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शली द सेंट्रल और पार्शली द स्टेट गवर्नमेंट। तो आधे से ज्यादा जो हिस्सा है, 50% मोर देन 50% जो है वो किसी सरकार के पास था, उसको सरकारी कंपनी कहा जाता है। इसमें जो मुख्य कंपनियों, जैसे आपने सुना होगा हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, कोयल इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, ठीक है, HMT में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से इसको जाना जाता है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है, इसी तरह से मैसूर शुगर कंपनी है। इस तरह की कंपनियां जो है ये सारी सारी सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, साथ ही इस प्रकार की जो कंपनियों का संचालन या प्रबंध है, कम जो सरकार के द्वारा मनोनीत जो संचालक मंडल होता है उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है या संचालन किया जाता है इस तरह की कंपनियों के व्यवसाय का। और इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 जो है उसके अनुसार इसका जो है स्थापना की जाती है। तो इस तरह से ये सरकारी कंपनी कहलाती है। अब इसकी विशेषता आ गई, सबसे पहले फॉर्मेशन, इसकी स्थापना, तो स्थापना के बारे में बता दिया। ठीक है, कंपनी की जो स्थापना होती है वो भारतीय कंपनी अधिनियम जैसे के रूप में एक निजी व्यवसाय के रूप में काम करती है, निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह ही एक सरकारी कंपनी के रूप में काम करती है, और इसकी जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम 2013 उससे पहले के जो अधिनियम है उनके अनुसार की जाती है। और अगर इसमें कंपनी एक्ट में कोई छूट देना चाहते दी जाती है तो उसके लिए संसद द्वारा उसको अधिकृत किया जाता है। इसी तरह से ओनरशिप, स्वामित्व, तो मैंने बता दिया आपको कि जितनी टोटल कैपिटल होती है उसकी पेड अप कैपिटल का 51% या उससे अधिक हिस्सा जो है या केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा, या मिलकर दोनों सरकारों के द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा आंशिक रूप से लगाया जाता है। तो इस तरह से उतनी उनकी ओनरशिप रहती है। प्रबंध मैनेजमेंट, मैंने बताया कि इसका प्रबंध जो है सरकार के द्वारा मनोनीत जो संचालक मंडल है उनके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा चुने हुए जो या निजी लोग भी उसमें होते हैं, निजी लोगों का पैसा लगा होता है, निजी संचालक मंडल में लोग आते हैं, लेकिन अधिकतर जो है सरकार के होते हैं। जहाँ तक वित्त व्यवस्था की बात है, मैंने बता दिया है इसमें पूरी तरह से या तो कंपनी दो तरह से होती है, एक होली ओन और एक मिक्स्ड ओन, दो तरह से होती है, या तो पूरा पूरे जो पैसा है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वित्त व्यवस्था जो सरकार के उसको होते हैं होली ओन गवर्नमेंट कंपनी। अगर उसमें कुछ पैसा आधे से ज्यादा पैसा सरकार को लगाया लेकिन बाकी जो पैसा और निजी हाथों के द्वारा लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्स ओन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, मिश्रित कंपनी के नाम से उसको जाना जाता है एक तरह से। तो इस तरह से वही उनकी फाइनेंसिंग की जाती, वैसे ही उनको उनको अगर जरूरत पड़े तो वो ऋण भी ले सकती हैं इस तरह कंपनी वित्त का पोषण करने के लिए अपने। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है तो जिस तरह की पब्लिक एंटरटेकिंग तरह मैंने बताया था आपको कि जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, ये जो कंपनी है उसके अनुसार जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उसके आधार पर अपॉइंटमेंट करती है। उसकी तरह सेपरेट लीगल एंटिटी, इस तरह की कंपनियां उनके अपने वैधानिक अस्तित्व होते हैं, अर्थात अपने नाम से संपत्तियां खरीद सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, और ये दूसरों के ऊपर कंपनी जो है दावा पेश कर सकती है या दूसरे लोग उसके ऊपर दावा कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट होती है, अलग होती है अपने अस्तित्व होते हैं इनका। प्रशासनिक स्वतंत्रता की बात जहाँ तक बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है, तो इसको इनका जो कंपनियां होती हैं सरकारी कंपनियां उनको पूरी तरह से प्रशासनिक स्वतंत्रता, मतलब सरकार का इसमें डायरेक्ट वे पर कोई जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होता है। प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से अपने आंतरिक जो नियम होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी उसके आधार पर उसको संचालन किया जाता है। तो इसकी विशेषता थी। अब जहां तक इसकी मेरिट्स और एडवांटेजेस की बात है कि एक सरकारी कंपनी के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, तो उसमें सबसे पहले इजी फॉर्मेशन,
जैसे मैंने बताया था कि आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन की आपको स्पेस सिलेक्टिव पास करना पड़ता है, लेकिन इसमें कंपनी एक्ट अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अनुसार जैसे कंपनी स्थापित होती है इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना की जाती है और इसको आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ऑटोनोमी इन ऑपरेशंस, दूसरा ये बताया मैंने उसकी विशेषता थी कि व्यवसाय इस तरह कंपनियां जो व्यवसाय करती है तो उनको प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, मतलब उनको किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट आदि की से, और अपने गतिविधियों के लिए वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लोडशीलता, ठीक है ना, आज तक पढ़ने पर ये अपने नियमों में तुरंत परिवर्तन कर सकती है इस तरह कंपनी की, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें परिवर्तन किया जाता है अगर कोई बीच में नियमों में परिवर्तन करना हो। क्विक डिसीजंस, क्योंकि इसमें कंपनी के द्वारा खुद डिसीजन लिए जाते हैं किसी सरकार के आदेश की या किसी उस जो दूसरे लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं होती, कंपनी के आंतरिक जो लोग होते हैं या संचालक मंडल होते हैं वो अपने लेवल में डिसीजन लेते हैं, इसलिए जो डिसीजन होते हैं क्विक डिसीजन होते हैं, यानी लोगों को किसी लाभ की राशि सहायक करें जैसे मैंने बताया था रेटिफिकेशन या उसके पीछे उसको वेट नहीं करना पड़ता है। इजी फाइनेंसिंग, आसानी से मैंने बताया कि वित्त आसानी से इसमें मिल जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है, अगर ज्यादा हो तो फिर प्राइवेट भागीदारी भी उसमें रहती है, और जरूरत पड़ने पर ये ऋण भी प्राप्त कर सकती है और आसानी से अपनी पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। इस तरह से बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो सरकारी कंपनी है उसमें आधा से ज्यादा पैसा तो लगा होता है सरकार का, लेकिन बाकी जो पैसा है वो निजी लोगों के द्वारा लगाया जाता है, तो निजी जो लोग होते हैं उनका भी संचालक मंडल में एक तरह से सहयोग भागीदारी होती है, संचालक मंडल में उनके लोग होते हैं तो एफिशिएंटली वो जो है उस व्यवसाय को चलाते हैं और उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, इसलिए निजी भागीदारी का भी लाभ रहता है। जहाँ तक इसके दोष या लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट कंपनी की, उसमें नंबर एक है इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी, ऐसे तो बोला जाता है कि ऑपरेशन ऑटोनॉमी है उनके व्यवसाय के संचालन करने में स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें ज्यादा पैसा लगाया जाता है, अब ज्यादा भागीदारी सरकार की होती है तो कोई भी सरकार है वो अपने हिसाब से उस व्यवसाय को चलाने की कोशिश करती है, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि ऑपरेशन ऑटोनॉमी स्वायत्तता है संचालन करने में तो वो गलत होता है, कहने का मतलब सरकार का इसमें इंटरफेयर रहता है डायरेक्ट वे पर। उसके बाद नॉन कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, सरकार कंपनी है सरकार बदलती रहती हैं, अगर एक सरकार आती है वो अलग अपनी पॉलिसीज तैयार करती है, नीतियां बनाती है, जब सरकार बदल जाती है तो अपने हिसाब से वो नीतियां तैयार करती है, तो एक तरह से स्थायी तो नहीं रहता है, नीतियां परिवर्तित होती है, सरकार बदलती है तो उसमें नीतियों में परिवर्तन होता है जिससे कि उस तरह के व्यवसाय को हानि का भी लाभ उठानी पड़ सकती है। कई बार लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि जो सरकार के द्वारा मनोनीत संचालक मंडल के सदस्य होते हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनके पास उतनी व्यवसाय को चलाने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए उनके पास प्रोफेशनल एफिशिएंसी जो उनके पेशेवर एक तरह से कुशलता है वो उनके अंदर नहीं होती है, इसका भी एक दोष माना जाता है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सरकार के द्वारा इन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, सरकारी हस्तक्षेप रहता है एक तरह से, सरकारी जवाबदेही रहती है, कोई भी वार्षिक रिपोर्ट है वो सरकार के पास एक तरह से बताने पड़ती है सरकार को, इसलिए कंपनियां जो है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती है, मतलब उनको सरकारी उसका दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है, इसलिए जो क्योंकि सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है इसलिए जनता के प्रति एक तरह से उनकी जवाबदेही होती है, तो एक तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता है वो उसमें नहीं होती है, डर होता रहता है। तो इस तरह से ये तीन प्रारूप मैंने आपको जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में बताए, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में हम करवा रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट के बारे में बताया था, अब मैंने आपको पब्लिक कंपनी के बारे में बता दिया, अब इसके बाद आते हैं इसके अंतर, वो मैं बता करवाऊंगा आपको इसके बाद।